गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद मी और मैं मुस्कान। आज हम करने वाले हैं अपना आई ईट अल्फाबेटिकली फॉर 24 आवर्स। तो चलिए गाइस इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं होकर आती हूँ फ्रेश, उसके बाद हम पियेंगे अपनी ए फॉर एप्पी। यस सो या गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15 अराउंड। तो अब हम सबसे पहले लेने वाले हैं अपनी ए फॉर एप्पी। सो चीयर्स। यूजुअली मैं एप्पी नहीं पीती हूँ बिकॉज मुझे एप्पी नहीं पसंद, ना मुझे इसका टेस्ट पसंद है, बट पीना पड़ेगा। इसकी जगह मैं एप्पल भी यूज ले सकती थी वैसे, बट ठीक है। तो देखते हैं हम बी से क्या ब्रेकफास्ट या क्या लेने वाले हैं। सो या गाइस यहाँ मैं रेडी कर रही हूँ अपने लिए बी से ब्रेड पर बटर लगाकर अपनी ब्रेड को रेडी कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं अपने सी की भी तैयारी कर रही हूँ जिसके लिए मैं अपने लिए प्रिपेयर कर रही हूँ कॉफ़ी। सो आई विल जस्ट शो यू, ये मेरी कॉफ़ी है, तो चलिए देखते हैं। सो हमने अपने लिए तैयार कर ली है बी से ब्रेड जो मैं अब खाने वाली हूँ। बी कंप्लीट। सी से कॉफी बहुत हॉट है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके लिए। तो सी से हमारी कॉफी अब थोड़ी ठंडी हो गई, तब हम इसे लेते हैं। चीज़ दिखाना चाहूँगी, लिटरली मैंने पूरी वेफर्स की दुकान मंगा ली है, और आज ये चैलेंज सिर्फ मेरे को लग रहा है वेफर्स चैलेंज होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मुझे कुछ भी अल्फाबेटिकली नहीं मिल रहा था। अभी मैंने अपने छोटे ब्रदर सिस्टर हैं उनको ये लिस्ट बना के भेजी थी, अगर आप लोगों को दिख रही हो तो। लिटरली शॉप में जाओ, एक एक प्रोडक्ट सर्च करो, ऐसे ढूंढो, क्यू से ढूंढो, इससे ढूंढो, उससे ढूंढो, तो वो जाके ढूंढ रहे हैं और मेरे लिए बहुत सारा सामान लेकर आए हैं, थैंक यू फॉर दैट। तो यस अब हम देखते हैं हमें क्या खाना है नेक्स्ट। हमारा था ए हो गया हमारा कंप्लीट, बी हो गया कंप्लीट, सी कंप्लीट हो गया, अब हम आते हैं डी पर। तो मैं कुछ इस तरीके से टिक करती जा रही हूँ जो कंप्लीट करती जा रही हूँ, ताकि मैं भूलूँ ना और कोई भी अल्फ़ाबेट स्किप ना करूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरा ए कंप्लीट हो गया, एपी बी कंप्लीट हो गया, सी कंप्लीट हो गया, आता है हमारा डी, डायमंड चिप्स जो मैंने मंगाई है। सो यस देयर इज अ डायमंड चिप, खाते हैं इसको। सुबह के 11:30 बज रहे हैं, मुझे ऐसी चीज़ कुछ भी खाने का शौक नहीं है, मैं हैवी नाश्ता करने वाली लड़की हूँ, फुल ऑन खाना। That's it. ये जो मेरे वेफर्स हैं, मेरे कुछ भी चिप्स कुरकुरे में से बचने वाला है ना, मेरे घर वाले इस पे हमला करने वाले हैं भूखों की तरह। पानी ई से मेरे पास दो ऑप्शन है, ई से इनो, ई से इक्लेयर। तो मैं, मेरा पेट अभी खराब हुआ नहीं है, बट ये मैं रात के लिए बचा के रखूँ, क्योंकि ये सब खाऊंगी तो पेट तो वैसे भी खराब होना ही है, तो ये रात के लिए बचाते हैं हम, जब ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद के लिए, तब के लिए अभी के लिए हम खाते हैं ई से इक्लेयर। पहले पानी पी लूँ। इसके बाद आता है हमारा, मुझे एबीसीडी भी याद नहीं है, ई एफ। एफ से हम पीने वाले हैं फैंटा। सो यस फैंटा प्लीज।
मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती। फैंटा कल हम शॉप करने गए थे ना, वहीं से मैंने स्टोर से बाय कर ली थी कुछ कुछ सामान, बट ज्यादा सामान मुझे कल वहां मिला नहीं, तो मैंने आसपास की शॉप से ही मंगाया। और आज हम जाने वाले हैं अपने किसी रिलेटिव के घर, तो देखते हो मैं सारा थोड़ा बहुत सामान लेके जाऊंगी, और अल्फाबेटिकली जो फूड का चैलेंज चल रहा है उसको वहीं पे भी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी, तो देखते हैं वहां पे कैसे हमारा चैलेंज कंप्लीट हो पाता है। तो इसके बाद मुझे करनी है एक वीडियो शूट, उसके बाद मुझे साथ साथ अपना अल्फाबेटिकल चैलेंज भी करना है, उसके बाद हम जाएंगे अपने रिलेटिव के घर और फिर वहां देखते हैं हमारा चैलेंज कैसा होने वाला है। अपनी फैंटा एफ से I am not Fanta person, I am Pepsi and thumbs up person. इसमें इतनी गैस होती है। I completed. मेरे घर वालों के यहाँ चांदी होने वाली, मैंने इतना सारा सामान मंगाया खाने पीने को। और पता है जब कोई प्रेशर हो ना, अब मैंने एक लेयर खाई ना, मैं एक लेयर की मेरे को बहुत पसंद है, मैं 5-5, 6-6 एक लेयर कैसे ही खा जाती हूँ, बट अभी चैलेंज के लिए खानी थी तो मुझसे खा ही नहीं गई, मेरे को पता नहीं किस चीज़ का प्रेशर आ गया, खानी है वाला। बट ठीक है, हमारी फैंटा कंप्लीट हो गई, अब आता है हमारा जी, जी से पियेंगे हम, देखते हैं। वेट, हमने कंप्लीट किया था एफ से फैंटा, अब हम पियेंगे जी से ग्लूकॉन्डी। और ग्लूकॉन्डी मैंने तभी बना के रख लिया था अपने लिए बिकॉज लास्ट मैंने फैंटा पी थी, और फैंटा के बाद दोबारा से ग्लूकॉन्डी पीने का मेरा मन नहीं था, तो अब बच रहे हैं दिन के एक, तो अब मैं पीऊँगी अपनी ग्लूकॉन्डी। मैंने सुबह से लिटरली कुछ नहीं खाया, उस दो ब्रेड के अलावा और कॉफ़ी के अलावा कुछ भी नहीं, और बस ये जो चटर मटर कह लो आप वेफर्स खाए हैं वो भी थोड़े थोड़े, और मैं ग्लूकॉन्डी पीती हूँ। रेसिपी बहुत पसंद है, पीते हैं। जी इज कंप्लीट, मैं साथ साथ टिक करती जा रही हूँ ताकि मैं भूलूँ ना। अब आता है एच, तो एच से देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग वाले हैं अपना एच से हनी। ये स्पेशली मैं चैलेंज के लिए लेकर आई थी क्योंकि हमारे घर पे हनी नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो मैंने कल ही इसकी शॉपिंग करी एंड इट्स लुकिंग टेम्पटिंग। बट रॉ कौन खाता है यार, ठीक है बचपन में खाते थे चुरा चुरा के, और चम्मच से भी नहीं, स्पून से भी नहीं, फिंगर से खाते थे बचपन में, तो आई एम टेकिंग हनी। आप सब सोच रहे होगे मैं इतनी रेडी क्यों हूँ, मैंने एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैलेंज वीडियो शूट किया है, तो वो देखना बिल्कुल मत भूलना। दैट्स इट, इतना ही हनी लेना है मुझे। अब बनाते हैं आई से कुछ इंटरेस्टिंग, बिकॉज एक बज रहा है मैंने कुछ नहीं खाया, लंच के लिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए आई से, कुछ हैवी सा जिससे थोड़ा मेरा पेट भर। ओके गाइस, तो अब हम अपना करने वाले हैं आई से कुछ लंच प्रिपेयर, तो उसके लिए मैं खाने वाली हूँ इडली। ये मसाला इडली है, इंस्टेंट मिक्स है, तो जिसको मैंने ऑलरेडी एक बाउल पे ले लिया, कटोरी पे ले लिया, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी एंड इसे मिक्स करूँगी, और इसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी नहीं होती हैं, तो इसे मेरा थोड़ा सा लंच तैयार हो जाएगा, बिकॉज अभी मैं ज़्यादा नहीं खा रही हूँ और मुझे और भी अपने सारे अल्फ़ाबेट कंप्लीट करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ही लंच करूँगी। तो अब मैं हम इसे बनाते हैं। ये इडली है गाइस, और मेरे पास मेरे घर में इडली मेकर नहीं है, तो लेट्स सी मैं इसे कैसे बनाने वाली हूँ। अभी मैंने इसे थोड़ा लिक्विड ही रखा है, ये खुद ठीक हो जाएगा, तो मैं अब दिखाती हूँ आपको मैं बनाने किसने वाली हूँ। तो यस गाइस, मैं इस पैन में बनाने वाली हूँ। यूजुअली हम इस पैन में तड़का लगाते हैं, बट हमारे घर में इडली मेकर तो नहीं है, बट मैं अपना खुद ही कुछ इन्वेंट करने वाली हूँ, इडली को इसमें बनाने वाली हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूँगी, फिर देखते हैं हमारी इडली कैसे बनती है। और मैं इसको स्टीम करूँगी कुछ भी प्लेट या ढककर, जिससे थोड़ी स्टीम में हमारी इडली अच्छी बने। इसे किसी छोटी प्लेट से
स्टीम करने के लिए रख दूंगी और मैंने गैस को लो फ्लेम पे कर दिया है। अब देखते हैं कैसा बनता है। गाइस ये इडली तो उसमें चिपक गई है, मैं क्या करूं? मैं इसको मिक्स कर सकती हूँ क्योंकि ये तो बिल्कुल स्टिक हो गई है। ये स्टीम में बनती है और मैंने क्या बनाया है, ये सूजी का हलवा लग रहा है देखने में, बट खाना तो मुझे यही पड़ेगा अब जैसा भी है, तो देखते हैं। चलो खाते हैं इसे ही। अब हम खाने वाले हैं अपना इडली का हलवा। यस इंटरेस्टिंग इडली का हलवा। और भूख कितनी लगी है, ये मुझे ऐसे भी अच्छा लग रहा है। इसमें मसाले वगैरह ऑलरेडी होते हैं, ये टेस्टी तो है और भूख मिटाने। हमारा कंप्लीट हो गया है। जैसे मैंने एक अमेजिंग चीज बाय की थी। ओके तो जैसे हम खाने वाले हैं जस्ट जेली। कैसे मैंने दो चीज सोची थी, काफी सारी चीजें आती है। कैसे मैंने किटकैट सोचा था, कुरकुरे सोचा था। यू नो दैट आई लव स्पाइसी फूड, तो किटकैट तो वही मीठी चॉकलेट, आई डोंट लाइक चॉकलेट्स, तो मैंने मंगाया था कैसे कुरकुरे। तो खाते हैं। आगे देखो, मेरे घर वाले इसके मजे लूट रहे मेरे चैलेंज के। और
मीठी चीज आने वाली है, मेरा सर दुख गया है मीठी चीज। मतलब मैंने इतना मीठा क्यों ऐड कर लिया अपने चैलेंज में? Why? और एक और चीज ना मेरी बहुत फेवरेट आने वाली है, आप लोगों को लेके जाऊंगी उस प्लेस पे। तो हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? एल फॉर लॉलीपॉप। और आप लोग सोच रहे हो कि मैं रेडी क्यों हो गई हूँ? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जाएंगे अपने रिलेटिव के घर और वहीं पर भी कंटिन्यू रखेंगे अपना अल्फाबेटिकली चैलेंज। तो फर्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ अपनी एम फॉर मिरिंडा। तो मैं ग्लास में डाल लेती हूँ, मुझे ऐसे पीना अच्छा नहीं लगता। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जाने वाले हैं अपने रिलेटिव के घर, तो हम आ गए हैं अपनी चाची जी के घर और यहाँ ये दो लेडीज कर रही हैं गॉसिप। तो प्लीज बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो रहा है। अब हम करते हैं अपने चैलेंज को कंप्लीट। तो हमने कर लिया था अपना एल का कंप्लीट और अब हम करने वाले हैं एन फॉर नटखट। तो यहाँ गाइस मैं अपनी सिस्टर के साथ आई हूँ पास्ता खाने के लिए। तो हम वेट कर रहे हैं अपने पास्ता का, पी फॉर पास्ता। और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में, और देखते हैं अभी खाने में कैसा है। चीयर्स। तो यस गाइस अब हमने कर लिया अपना पी से पास्ता और नेक्स्ट अल्फाबेट है क्यू। और ये क्यू क्यों आया मुझे समझ नहीं आया। मैंने लिटरली, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इतने सर्चेस करे अपने फ़ोन में, इतने ज़्यादा सर्च करा है क्यू नेम फूड, इंडियन फूड, ये फूड, वो फूड, बट एक चीज़ मुझे मिली है क्यू मीन्स क्वार्क, जो मिल्क से बनी कोई भी चीज़ हम खा सकते हैं, लाइक पनीर, दही, चीज़ जो क्वार्क में आती हैं, तो मैं वो खाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने भेजा है अभी किसी को लेने के लिए, बिकॉज अभी मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है और शाम के 7 बज रहे हैं और मैंने वही वेफर वगैरह खा के अपना पेट भरा है। तो बस अब देखते हैं मैं कैसे अपने चैलेंज को कंप्लीट करती हूँ। और अब तक तो ये चैलेंज मेरा जा रहा है बहुत अच्छे से और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं कोई भी अल्फाबेट स्किप ना करूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रही हूँ और एक एक शॉप पर जाके लिटरली सर्च कर रही हूँ उनके नेम्स, उनके फर्स्ट अल्फाबेट। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना। तो गाइज मैंने फाइनली अपना क्यू से ढूंढ लिया है क्वार्क, जो मिल्क मटेरियल से बनी हुई कोई भी चीज़ हम खा सकते हैं क्वार्क से। तो मैंने यहाँ लिया है पनीर, देखा जाए तो ये पी से है बट मैं इसे एज अ क्यू काउंट करूंगी बिकॉज क्यू से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो प्लीज कमेंट मत करना कि क्यू से नहीं है बट ये क्यू से ही है। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगी तो आप एक बार पढ़ लेना कि क्यू से हम कोई भी मिल्क मटेरियल खा सकते हैं। सो यस आई एम हैविंग। और पनीर मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, स्पेशली रॉ पालक पनीर के अलावा मुझे पालक की कोई पनीर की कोई सब्जी नहीं पसंद। उसके बाद आता है हमारा आर, तो मैं आर से खाने वाली हूँ रिंग। मुझे आर से भी कुछ नहीं मिल रहा था, रसना था बट वो मुझे कहीं मिला नहीं। स्नेकर्स।
गाइस, आर से हमने लिए थे अपने रिंग्स, आर एस, और एस से हमने खाई थी अपनी स्नेकर्स, उसके बाद आता है टी से, तो हम अब पियेंगे टी। मैं ज्यादा गर्म टी नहीं पी पाती, इसलिए मैं थोड़ी देर तक टी रख कर तो यू आता है हमारा टी के बाद, तो मैं यहाँ ले रही हूँ अंकल चिप्स। अंकल चिप्स यस, ये तो मुझे पसंद है। ओके, तो यू के बाद आता है हमारा वी। वी से मैंने लाई हूँ विक्स। फ्लेवर अच्छा है, खाने वाला। हो गया हमारा यू वी। वी के बाद क्या आता है? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के लिए मैं कुछ लाई हूँ वुपीज चीजी बॉल्स। तो अब हमने कर लिया अपनी विक्स को फिनिश, उसके बाद मैं ले रही हूँ वुपीज डब्ल्यू। गाइस, मुझे एक्स से कोई भी फूड ईटेबल आइटम्स नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए मैंने ये बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद ये एक्सप्रेस नूडल्स मुझे मिले हैं, तो अभी हम बनाने वाले हैं और खाने वाले हैं। सो ओके गाइस, तो हमने अपना एक्स से बना ली है एक्सप्रेस मैगी, और यही शायद मेरा आज का डिनर होने वाला है, क्योंकि इस टाइम हो रहे हैं 8:30 और इस टाइम के अराउंड मैं अपना डिनर कर लेती हूँ, और मुझे बहुत भूख लगी है, क्योंकि जितना भी मैंने वेफर्स वगैरह खाए मैंने सिर्फ थोड़ा थोड़ा खाया, ज़्यादा मैंने नहीं खाया, क्योंकि आज मुझसे खाया नहीं जा रहा, या मैं थोड़ा डल फील कर रही, दैट्स व्हाई। ओके गाइस, तो अब हमने अपनी मैगी खा ली थी थोड़ी देर पहले, तो अब हम खाने वाले हैं अपना वाई से योगर्ट, यानी कि दही। सो यस, मैंने चम्मच पर दिखा ज्यादा ही करती है। That's it, क्योंकि मैंने भी थोड़ी देर पहले मैगी खाई थी। ओके गाइस, तो इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लेना, और मैं खा लेती हूँ अपना लास्ट अल्फाबेट जो कि है जेड। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, दोनों को एक साथ ही खड़ा कर। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को आज का ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स फूड चैलेंज देखने में मज़ा आया हो या इंटरेस्टिंग लगा हो या आपको टाइम पास हो गया इस वीडियो को देख के, तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल आइकन है उसे हिट कर देना, ताकि आगे आने वाले अमेजिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मुझे कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो मैं कौन सा बनाऊं। और अब मिलती हूं मैं आपसे अपने किसी अनदर एक्साइटिंग वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। तब तक के